आपको जब कोई मारता है, आपका जब कोई अपमान करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है आपको, तो जब तक आपको आपका इतिहास पता नहीं है, आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ ठीक है होता है। लेकिन जब आपको इतिहास पता चल जाता है कि ओहो, इसमें तो मेरा कोई कसूर ही नहीं है, मेरे माँ बाप का भी कोई कसूर नहीं था, मेरे दादा परदादा का भी कोई कसूर नहीं था, तो फिर मुझे क्यों मार रहे हैं? तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैंने वो क्या, कोई लेडी पुलिस होगी, पुरुष होगा, नहीं नहीं दारू देख रहे हैं, अरे तुम मेरे घर में क्यों देख रहे हो यार? तो ये सब गुस्सा होता है आपके अंदर, ये अंदर पलता रहता है, अंदर इकट्ठा होता रहता है ये सब चीज़ें। वी यूज दिस गुस्सा, दिस एंगर एज अवर क्रिएटिव एक्सप्रेशन। क्या नाटक स्टेज के बिना हो सकता है? नहीं, उन्हें का यस हो सकता है। किसी ने पूछा कि नाटक क्या स्टोरी के बिना हो सकता है? यस इट कैन पॉसिबल। क्या नाटक लाइट के बिना हो सकता है? हो सकता है। कॉस्ट्यूम के बिना हो सकता है? हो सकता है। नाटक मेकअप के बिना हो सकता है? हो सकता है। फिर उन्होंने कहा नाटक एक्टर के बिना हो सकता है क्या? नहीं, एक्टर के बिना नहीं हो सकता, एक्टर तो चाहिए ना आपको नाटक में। तो इसका मतलब ये है कि नाटक की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है एक्टर। एंड व्हाट इज एक्टर? एक्टर इज बॉडी एंड वॉइस। वी आर अ वेरी मेलोड्रामेटिक सोसाइटी, हमें मेलोड्रामा अच्छा लगता है, और वो मेलोड्रामा दिल तक पहुंचता है, दिमाग तक पहुंचता है, बाकी भाषण वाषण अच्छे नहीं लगते। तो बुधन मेलोड्रामा यानी रोना धोना बहुत होता है राइट, और ऐसा करते हैं कि लोग नहीं भूलते हैं, एंड दैट टच टू देयर हार्ट। जब आप किसी के बारे में सोचना शुरू करते हो ना, तो आप, इसका मतलब यह है कि आप सेंसिटाइज हुए हो। सेंसिटाइजेशन होता ही नहीं हमारा, लेकिन थिएटर में वो पावर है, क्योंकि जब एक्सप्रेशन और सेंसिटाइजेशन, ये दोनों का मेलजोल है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से नाटक का उपयोग देश में बहुत कम हुआ है। व्हेन एक्सेप्टेंस हैपन, आप इंटीग्रेट होते हो लार्जर सोसाइटी के साथ में। बुधन थिएटर ने ये काम करना शुरू किया।